मुझे तलाक हो गई। क्या? जी, यही जो आपने सुना है। लेकिन क्यों? आपकी वजह से। मेरी वजह से? कुरैन, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता। आर्यन, मैं यही तो नहीं चाहती थी। जिस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही थी, बचा ही नहीं रही। लेकिन अब मैं सिर्फ आपका ख्याल रखूंगी और सोऊंगी भी आपके साथ। ऐसा लगता है वो मुझे अभी कॉल करेंगे। वो जिंदा है और ये किसी ने गलत खबर शाया कर। किसी की उनसे दुश्मनी तोड़ी थी? तो मैंने आपसे ये कब कहा कि आपके लिए खुशखबरी है? बच्चा होना नहीं चाहिए। चले हो भी गया तो क्या, तलाक के बाद तो आर्यन ने उसे अपने पास ही रखना होगा। बच्चा गोद में आने से पहले कोर में चला जाएगा। कैसे? कल जब मैं रोते हुए अपने कमरे में आई, मुझे बहुत सॉरी कहा और एक्सक्यूज भी किया अपनी बातों पर। चिरको, इसे चाय या दूध नहीं मिलाकर इसे पिला देना। ये कौन सा जहर है जो आप मुझे देना चाह रही हो? तुम्हें छोटा सा काम ये तुमसे वो भी नहीं हो सकता। शादी करके मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आपने मेरे साथ जो किया सो किया, आपने अपने साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। कम से कम आप अपने बारे में तो अच्छा सोच लेते ना। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है बुरहान। मुझे पता है कि मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट भी कर सकूं। लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिन के लिए इस घर में रहने दो। मैं अभी कहां जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं रैन। आर्यन को ये सब मत बताना, वो मुझे जेल भिजवा देगा। और मुझे मालूम है तुम ये कभी नहीं चाहोगी कि मैं बाकी की जिंदगी जेल में काटूं। गुनाह करते वक्त इंसान को सजा से डरना चाहिए। आपको क्या लगा आप मुझे इमोशनल करेंगी और मैं हो जाऊंगी ताकि आप आसानी से निकल सके? मैं मिन्नत कर रही हूँ रैन। मत करें, क्योंकि मैं आर्यन से झूठ नहीं बोल सकती। तुम उसे मत बताना ये सब। कहीं उसे ये सब पता तो नहीं है? वो मेरा चेहरा पढ़ लेता है। हुरैन प्लीज कुछ दिन के लिए ये चेहरा छुपा लो, जिस चेहरे पर मैं अपने लिए सिर्फ नफरत देख रही हूं। क्यों दुख हो रहा है? तरस खाकर ही सही मुझ पर हुरैन। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की मोहलत दे दो। मैं बहुत जल्द अपना कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर लूंगी। बस अब तो हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मैं पलट कर कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। हरी लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज हुरैन प्लीज। इन मैं आपसे वादा नहीं करूं कि मैं आर्यन को नहीं बताऊं। लेकिन कोशिश तो करोगे ना, भले कुछ दिनों के लिए सही।
बहरीन। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, और मैं आपका बहुत ख्याल भी रखती रही हूँ। लेकिन आप मुझे काफी दिनों से ठीक से टाइम नहीं दे रही, जिस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही थी, बचा ही नहीं रही। लेकिन अब मैं सिर्फ आपका ख्याल रखूंगी और सोऊंगी भी आपके साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। साथ? वो कैसे? आपको तो पता है ना महरीन, हुरैन मुझे पसंद नहीं करती। वो आपके भैया से कहेगी कि मुझे घर से निकाल दे। वो मुझ पर तरह तरह के इल्जाम भी लगा रही है। लेकिन मैं तो इस घर में अब सिर्फ आपका ख्याल रखने के लिए रहूंगी ना। आप अपने भैया से कहना कि वो मुझे इस घर से ना निकाले। मैं सिर्फ आपके लिए इस घर में रहूंगी, मेरा किसी और से कोई वास्ता नहीं होगा। जी, मैं बात करूंगी आर्यन भैया से। लेकिन ये हुरैन को आपसे क्या दुश्मनी है? वो क्यों नहीं चाहती कि आप इस घर में रहें? असल में वो आपको खुश नहीं देखना चाहती, क्योंकि आप तो मेरे साथ खुश रहती हो ना। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। वो हमारी दोस्ती से जेलस है। आप परेशान नहीं हो, मैं आर्यन भैया से बात करूंगी। मेरी बेटा, देखो अब सिर्फ आप ही हो जिसके सहारे मैं इस घर में रह सकती हूँ। आप परेशान नहीं हो, अब आप मेरे साथ रहेंगी। कैसी तबीयत है हुरैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक लग नहीं रहे हैं आप मुझे, डिस्टर्ब लग रहे हैं। हाँ डिस्टर्ब हूँ, पापा चले गए। चले गए? लेकिन कहाँ? यूँ कहना चाहिए कि भाग गए। लेकिन कहाँ? मुल्क छोड़ गए। क्या परेशानी थी हमारे साथ रहने में? जिसने जिंदगी में किसी के साथ बुरा किया हो ना, वो बगैर किसी वजह के भी परेशान ही रहता है। पापा भी उनमें से एक थे। लेकिन फिर भी कोई तो रीजन दिया होगा उन्होंने आपको। हाँ, कुछ बहस हो गई थी और आई डोंट नो वाई कि उन्होंने कॉल क्यों बंद कर दी और फ़ोन बंद करके कहीं चले भी गए। और बाद में जाते वक्त ये कह गए कि ना तो मैं आइंदा घर आऊँगा, ना मैं ऑफिस आऊँगा और ना ही इस मुल्क में आऊँगा। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये उनका अपना फैसला है। इंसान फैसलों से ज़्यादा उनसे जुड़े हुए रिश्तों से परेशान होता है। और कुछ भी हो, रिश्ते में तो मेरे बाप थे ना। इस रिश्ते से बिछड़ने की तकलीफ होती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने उनसे इज्जत से बात की, उनको एहतराम किया। वो एक अलग बात है कि उन्होंने कभी आपको अपनी औलाद नहीं समझी, वो प्यार नहीं दिया जो उन्हें आपको देना चाहिए था।
जो मेहरीन डिजर्व कर चुकी, वो आपके बाप थे। शिकवा तो इस बात का भी नहीं है, बस तकलीफ होती है कि मेरी माँ ने बहुत सितम सहे और देखे हैं। जब उनकी याद आती है तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है आपको ये चीज डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वो अगर चले गए तो अपनी खुशी से गए, अगर वो वापस आते हैं तो आप उसी तरह से उन्हें प्यार और एहतराम दीजिएगा, क्योंकि वो आपके बाप हैं। प्यार पैदा नहीं किया जाता, और जहाँ तक बात एहतराम की है, वो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उनका एहतराम कर सकूं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो हमेशा ऐसा क्यों चाहते थे कि मैं अपनी हद पार कर जाऊं। मुझे लगता है ये उनका मिजाज था। उनके मिजाज की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, बस ये समझ आई है कि वो अब मैं खाना लगवा चुका हूं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ, जाहिदा। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो पार्लर में। जी जी। तो फिर ऐसा करो कि कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। क्या बताएंगी मैडम, मैं तो काम करना चाहती हूँ। हाँ तो क्या फ़ोन पर ही काम करोगी? मिलने आओगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगी। और हाँ, एड्रेस मैं तुम्हें भेज रही हूँ, टाइम से आ जाना। और दूसरी बात, गेट पर पहुंचकर बेल मत देना, मुझे कॉल कर लेना। जी ठीक है मैडम। ठीक है। ज़ायदा मैडम कैसी हैं? जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तलाक हो गई। क्या? जी यही जो आपने सुना है। लेकिन क्यों? आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो उन्होंने मुझे आपके साथ देख जो लिया था। लेकिन वो बात तो पुरानी हो गई थी। मर्द के दिल में औरत की जिंदगी में आए दूसरे मर्द का शक कभी खत्म नहीं होता। और बस बहाना बनाकर उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा ज़ायदा मैडम, जैसे मैं सुनने समझने में गलती कर रहा हूँ। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिन पर यकीन करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। हम मिल सकते हैं कहीं? आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप हुक्म करें। आपको पता है ना कि मैं तो पहले हुरैन के घर में रहती थी, मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ हाँ, मैं आपको रेंट पे दिलवा दूंगा, आप फिक्र क्यों करती हैं। और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो वो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। बोलें कितने चाहिए आपको? नहीं नहीं अभी नहीं, बस प्लीज आप मुझे कोई घर अरेंज कर दें। अच्छा ठीक है, आप मुझसे मिलो तो सही। ठीक है, कल शाम में। लेकिन एक बात है ज़ायदा मैडम। जी। लेकिन ज़ायदा मैडम, मेरा काम अभी अधूरा है और एन मुझे पूरी चाहिए। समझ रही हैं आप? अगर आपने इस घर से जल्दी निकलने की कोशिश की तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। जी ठीक है। क्या सोच रही हो नैन? कुछ नहीं, यही कि रिश्तों में दगा करने वालों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो रिश्ते निभाने वालों की
सबर का इम्तिहान लेता हूँ। किसी पे सितम करने के लिए सितम से ज्यादा खुदगर्जी जरूरत होती है। लेकिन हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग हमारे बारे में बुराई ही सोचते रहते हैं। हर इंसान की खसलत अलग अलग होती है। कुछ लोग तो सिर्फ इंसान का रूप होते हैं, अंदर से इंसान नहीं होते। इंसानियत तो बहुत हसास होती है। खुदगर्जी, बेहसी इंसान का शेवा तो नहीं होती, और हमारे दीन के भी नहीं। सीखे थे भी लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, और बाज़फ़ा सहने वाले में बदला लेने की भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन बदला लेने के लिए भी इतनी बेहसी चाहिए ना, कि जितनी बेहसी से जुल्म किया गया हो। और एहसास लोग बदला लेने के लिए इतने बेहस तो नहीं हो सकते ना। हाँ ठीक कह रहे हैं, आज तो मुझे आप ही राइटर लग रहे हैं। मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, बस कुछ ख्यालात हैं जो अक्सर दिमाग में बिखरे हुए होते हैं, तुमसे बात करता हूँ तो इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे इश्क है आपके ख्यालात से, आपको ये बात पता है ना। हाँ, और इश्क तो मुझे तुमसे। अच्छा एक बात बताओ। जी बोले। वैसे ये बातें तुम पापा की वजह से कर रही हो ना, या कोई और बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिमाग में ख्याल आ गया ना, जो पहले हुआ कुछ अच्छा था कि मैं रिश्तों पर भरोसा करूं, और जो आपके साथ हो रहा है वो तो मेरे सामने ही है। बस यही बात है ना, या कोई और बात हुई है? आपको इतना जल्दी वहम होने लगता है? वहम के पीछे असल में डर होता है, और ये डर हमेशा मुझे रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। क्या मेरा डर नहीं बनता? तुम्हें बुरा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तुम अच्छी लगती हो। अच्छा ही। अच्छा ये बताए कहाँ से आए? ये दुनिया बहुत तिलस्माती है, एक लम्हे में सब बदल जाता है। किसी एक इंसान के बदलने से आप एक दुनिया से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। साथ रहते हुए इंसान की लफ्जों का जादू ऐसा सहरदारी करता है कि आपके साथ रहते हुए भी वो आपको धोखा दे रहा होता है और आपको पता नहीं चलता। अगर ये दुनिया तिलस्माती है तो हम सब परियां हुई? जिन और देव भी। अच्छा है तुम बहुत छोटी हो और तुम्हें ये सब नहीं पता। लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर तो मुझे सब पता चल जाएगा ना। लेकिन तुम ऐसे किसी तिलस्माती घर का ख्वाब मत देखना, और ना ही किसी के लफ्जों के जादू में आना। ख्याल के महल में मत रहना, सब टूट जाता है और पल में सब बिखर जाता है, और फिर आप चाहकर भी खुद को समेट नहीं पाते। तो आपको भी आता है वो लफ्जों का जादू? अभी तो ये जादू मुझ पर चल चुका है, मुझे आता होता तो मैं उसे अपने शहर में काबू रखती। वो तो उसने मुझे अपने काबू में रखा हुआ था, अपने हुक्म का गुलाम बनाया हुआ था। वो जो चाहता था वो हो जाता था। किसने? मैं बताऊंगी। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे मैं तुमसे शिकवा कर रही हूं, असल में मैं गलत थी, मैं बहक गई थी। मुझसे तो अकलमंद वो हुरैन थी जो पहले दिन से मुझे बता रही थी कि मैं एक गलत इंसान के लिए सब कर रही हूं। लेकिन मुझे लगता था कि उस वक्त मेरा गलत सही है और उसका सही गलत है। मैं समझी हुरैन गलत है, वो मेरी खुशियों से जेलस है। तो
क्या वो अब आपसे जेलस नहीं है? है, अब तो है, लेकिन इससे पहले वो मुझे जो कुछ बताती रही वो सब ठीक था। तो फिर तो आपको उनकी बातों पर अमल करना चाहिए था ना? कभी कभी फरेब भी बहुत पुरफरेब लगने लगता है कि इंसान उससे निकलना नहीं चाहता। मुझे लगता है मैं भी शायद उसी फरेब में थी। कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि वो लफ्जों का इतना जादूगर था कि उसने अपना सहर मुझ पर तारी कर दिया, कि मैं समझ ही ना सकी कि वो मुझसे खेल रहा है। कभी मुझसे छुपकर निकाह कर रहा है, कभी नौकरानी बनाकर रख, और मैं चुपचाप खुशी से सब करती जा रही थी। चलो अब हमें चलकर सोना चाहिए, मैं तो ऐसे ही तुम्हें सब सुना रही हूं। आज मेरे पास सुनने वाला कोई नहीं था, मैं बहुत अकेली थी। तो अब आपको क्या डर लग रहा है? अंदर की तन्हाई बहुत वहशत ज्यादा होती है, इंसान अपने साथ भी नहीं बैठ सकता, और अगर दूसरों के साथ भी बैठे उसे वहशत महसूस होती है। बहुत रात हो गई है, हमें चलकर अब सोना चाहिए। और मैं आपके साथ लेटूंगी ना तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। चल। आर्यन, आप मेरा एक काम करेंगे? मुझे तो लगता है मैं सारे काम तुम्हारे लिए करता हूँ। आप प्लीज फारूकी साहब के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलवाते हैं किसी भी तरह। तुम्हें तो कामरान पे शक था। फारूकी साहब जैसे नफीस इंसान के अलावा किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। कमरान ही वो एक ऐसा शख्स है जो अपने छोटे से फायदे के लिए किसी का भी बड़ा नुकसान कर सकता। ठीक है, हम डायरेक्ट पुलिस में जाके उसका नाम बता देंगे, बाकी पुलिस भी तहकीकात कर लेंगे। प्लीज, मैं ये चाहती हूँ कि जिसने भी ये किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। कहीं वो ये ना सोचे फारूकी साहब के इस दुनिया में कोई नहीं। तुम बेफिक्र हो, तुम पहले भी मुझे ये कह चुकी हो और मैंने आगे कह भी दिया था। Really? हाँ, मेरा एक दोस्त है, SSP है, बहुत ईमानदार है, और उसी की जिम्मेदारी मैंने लगाई है, और मुझे उम्मीद है कि वो कातिल को जल्दी ढूंढ लेगा। और जहाँ तक बात कमरान की है वो मैं सुबह उसको याद भी दिला दूँगा। ठीक है। तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही हो? कभी कभी इंसान हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन रीजन भी तो होती है ना? हाँ, रीजन होगी, पता नहीं। दिखो रैन, तुम माँ बनने वाली हो, और इस कंडीशन में तुम्हारा इतना सोचना, इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं। क्या करूँ, राइटर हूँ, मेरे दिमाग में तो 24/7 कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मुझे अपने हालात सोचने का इख्तियार।
लेकिन सिर्फ सोचने की वजह से स्ट्रेस थोड़ी होता, कुछ मखसूस ख्याल होते हैं जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और मैं जब से आया हूँ मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम नॉर्मल होने की बहुत कोशिश कर रही हो लेकिन नॉर्मल हो नहीं पा रही, और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इतनी परेशान क्यों। मुझे लगता है आप खुद बहुत डिस्टर्ब हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। यू मस्ट बी टायर्ड, सो जाना। मतलब तुम नहीं बताओगी? सो जाना प्लीज। चलो तुम भी सो जाओ। मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट। हुरैन, मुझे नहीं बताओगी कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें रात को सोने नहीं दे रही? ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना पूछें। ऐसा हो सकता था अगर तुम सोती रहती। जो बात तुम्हें सोने नहीं दे रही वो मुझे कैसे खामोश रख सकती है? हुरैन, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता। आर्यन, मैं यही तो नहीं चाहती थी, आप प्लीज मेरी बात समझने की तो कोशिश करें, इसमें सिर्फ हमारा ही तमाशा बनेगा। तमाशा तो अब मैं उन लोगों का बनाऊंगा। अब मुझे समझ आई कि पापा इतनी छोटी सी बात पर भाग क्यों गए, क्योंकि उनको पता था कि उनका रास फाश होने वाला है और अपने आप को बचाने के लिए वो ज़ायदा को छोड़ के चले गए। लेकिन हैरत इस बात की है कि इस औरत को तुमने अभी तक अपने घर में रखा हुआ है, धक्के मार के बाहर भी नहीं निकाला। आर्यन, वो मिन्नतें कर रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं। वो कहाँ जाएंगी, उनके पास तो कोई जगह भी नहीं है। वो कह रही थी वो एक दो दिन में यहाँ से चली जाएंगी। अब वो कहीं नहीं जाएगी, अब मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। इसलिए तो मैं आपको बता नहीं रही थी, क्योंकि आप बात बात पर जज्बाती हो जाते हैं। तुम्हारे ख्याल में इसमें जज्बाती होने वाली कोई बात नहीं है? मेरे सगे बाप ने प्लानिंग की मेरे बच्चे को मारने की, और जो औरत इस काम को सर अंजाम दे रही थी वो हमारे घर में रहती रही, ये मैं कैसे तस्लीम कर लूं? आर्यन, बदला लेना जरूरी तो नहीं, कभी कभी इंसान माफ भी कर देता है। माफी मांगी उन्होंने, और देखिए ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, अगर कुछ हो जाता तो? अगर हो जाता तो मैं आपके साथ होती। वो माफी मांग रही हूँ, और वैसे भी मेरी अब भी खाला है, और आप माने या ना माने वो आपकी सौतेली माँ भी हैं। मेरा सगा बाप मेरा नहीं है, सौतेली माँ क्या बनेगी? आर्यन प्लीज प्लीज आप मेरा कहना मान, वो एक दो दिन में यहाँ से चली जाएंगी, वो खुद कह रही थी ये बात। आप प्लीज FIR मत कटवाइए,
मैं आपके हाथ जोड़ी। वो कहाँ जाएंगी, उनके पास कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। तुम इस औरत से बोलो कि इसी वक्त हमारे घर से निकल जाए। हाँ, वो एक दो दिन में चली जाएंगी, और वो यहाँ रहेंगी भी क्यों, कुछ जाना ही होगा। ज़ाहिदा बेगम, जो आपने किया है ना, उसकी सज़ा इतनी सख्त बनती है कि पूरी ज़िंदगी आप याद रखें। पता नहीं हुरैन किस मिट्टी की बनी हुई है कि दूसरों का फ़ायदा सोचती है। कितनी बेहिस और खुदगर्ज हैं आप। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं किया करते। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, मैं फैजान की बातों में बहक गई थी। फैजान, आपका बुरा सोच रहा था और मैं ये भूल गई कि मैं हुरैन का बुरा चाह रही हूँ, जबकि वो तो मेरी अपनी बेटी है। बेटी बेटी कहना आपका बनता नहीं है, बहुत कर लिया आपने ड्रामे। ये मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी माफ ना करता। ये माफी तुम्हें हुरैन ने दी है, और कल तक की मोहलत है तुम्हारे पास। चली जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि मेरा जब्त और हुरैन की मिनते दोनों दम तोड़ जाएं और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। और एक बात और, कल तक अपने कमरे से मत निकलना और ना ही किचन तक आना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दे।